गाइस, वेलकम बैक टू सीक्रेट साइंस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। तो आज सबसे पहले हम इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास नेमिंग सम पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट्स लेबल करना सीखेंगे। इसके बाद हम प्रोसीजर सीखेंगे टू वर्क आउट रीडिंग फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से किस तरह रीडिंग निकालते हैं, इसके बाद हम ये सीखेंगे। इसके बाद थर्डली, सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर, हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के कुछ पार्ट्स लेबल करना सीखेंगे, और जिसके बाद हम प्रोसीजर सीखेंगे टू वर्क आउट रीडिंग फ्रॉम अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। और इसके बाद लास्टली हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के जीरो एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम इन्हें फाइंड किस तरह करते हैं और इसके बाद फिक्स किस तरह करते हैं। तो आए अब हम अपना फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, लेबलिंग पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, तो बिफोर मूविंग फर्दर हमें वर्नियर कैलिपर की कुछ डिस्क्रिप्शन मालूम होनी चाहिए। तो लाइक जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, विच इज यूज टू मेजर डायमीटर और लेंथ ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास डायमीटर और लेंथ मेजर करने के लिए काम आता है। और डायमीटर में भी वर्नियर कैलिपर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए काम आ सकता है। मगर इसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक ये है कि वर्नियर कैलिपर सिर्फ 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर की रेंज में ही लेंथ या डायमीटर मेजर कर सकता है। इन एडिशन, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ होल इन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में एक ये भी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई होल प्रेजेंट है तो उस होल की डेप्थ मेजर करने के लिए भी हमारे पास वर्नियर कैलिपर काम आ सकता है। अच्छा, तो आए अब हम अपने वर्नियर कैलिपर में कुछ लेबल्ड पार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ये एक क्लिप लाइक पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लोअर जॉज या आउटर जॉज। हम इसे लोअर जॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर की नीचे वाली साइड पे लोकेटेड होते हैं, और इसे हम आउटर जॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए काम आते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पर टू पार्ट्स दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं अपर जॉज या इनर जॉज। तो सिमिलरली इसको हम अपर जॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर की साइड पे लोकेटेड होते हैं, और इनर जॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए काम आते हैं। इन टू जॉज में से हमारे पास ये वाला जो मोबाइल होता है और ये वाला जो हमारे पास स्टेशनरी होता है। इसके बाद जो हमें यहाँ पर लोअर साइड पे जो डिवीजन शो हो रही है, उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और इसके ऑन दी अदर हैंड हमें जो यहाँ पर डिवीजन शो हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेन स्केल। इसके बाद यहाँ पर हमें एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डेप्थ रॉड। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास सर्टेन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होल्स की डेप्थ मेजर करने के लिए भी काम आता है, तो वो डेप्थ हम इसी रॉड को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज नजर आ रहे हैं, जिसमें से नीचे प्रेजेंट स्क्रू को हम कहते हैं थंब स्क्रू। तो इस स्क्रू की हेल्प से हमारे पास जो मोबाइल जो होता है उसे हम मूव करा सकते हैं, और क्योंकि इस स्क्रू को यूजुअली हम अपने थंब से कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं थंब स्क्रू। जिसके बाद यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक और स्क्रू है जिसे हम कहते हैं लॉक स्क्रू। तो जब हम अपना ऑब्जेक्ट इन जॉस के दरमियान में फिक्स कर लेते हैं, तो हम इस लॉक स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, जिसके बाद अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रिमूव भी कर ले तो भी हम अपनी रीडिंग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो आए अब हम अपने नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास प्रोसीजर टू वर्क आउट रीडिंग फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर। तो नीचे जो यहाँ पर हमें स्टेप शो हो रहे हैं, उसे हम फॉलो करके किसी भी वर्नियर कैलिपर में से रीडिंग निकाल सकते हैं। तो आए अब हम अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, आफ्टर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, फर्स्ट टेक आउट द रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल। यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, उसे वर्नियर कैलिपर के जॉज के दरमियान फिक्स करने के बाद हमें सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल से रीडिंग मार्क करनी है। देन वर्क आउट द रीडिंग फ्रॉम वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद हमें वर्नियर स्केल से रीडिंग निकालनी है। इसके बाद मल्टीप्लाई द रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर स्केल विद द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। यानी कि अब हमारे पास जो वर्नियर स्केल से रीडिंग आई है, उसे हमें वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद लास्टली एड योर आंसर टू पार्ट 1 विद योर आंसर इन पार्ट 3 टू गेट योर फाइनल रीडिंग। यानी कि फाइनल रीडिंग हासिल करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में मेन स्केल से जो रीडिंग आई है, उसे ऐड करना है स्टेप नंबर 3 के आंसर में, जो कि हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की प्रोडक्ट है। अच्छा, तो बिफोर मूविंग फर्दर आए हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर।
अच्छा तो आए अब हम इस पार्ट का मेन की पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट है ऑलवेज टेक द लीस्ट काउंट इन द सेम यूनिट एज ऑफ द मेन स्केल रीडिंग, यानी कि जिस यूनिट की हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होती है उसी यूनिट का हमें लीस्ट काउंट लेना होता है हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग से मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो आए अब हम इन सारे स्टेप्स को और हमारे की पॉइंट को अप्लाई करके वर्नियर कैलिपर में से रीडिंग निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे हमारे वर्नियर कैलिपर जॉस के दरमियान में फिक्स कर लिया, जिसके बाद हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन जाता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान में। तो इसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम अपनी रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसी कॉम्बिनेशन को जूम इन करके शो किया है ताकि यहाँ से इजीली हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकें। अच्छा तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास सारे मेन स्केल पे डिविजन्स दिख रहे हैं वो मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि हमें रीडिंग निकालना ज्यादा आसान हो जाए। तो इसकी वजह से हमारे पास मेन स्केल पे हर एक डिविजन हमें 1 यूनिट शो कर रहा है। तो एज मेंशन इन आवर फर्स्ट स्टेप, हमें सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग निकालनी होती है। तो आज सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग निकालना सीखते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग निकालने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर जीरो वाला डिवीजन है हमें इसे कंसीडर करना होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास जीरो वाला डिवीजन स्लाइटली बिफोर 30 है, तो क्योंकि 30 से थोड़ा सा पीछे है तो हम 30 वाले डिवीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 30 से पहले वाले डिवीजन को कंसीडर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास यहाँ पर मेन स्केल पे हर एक डिवीजन 1 यूनिट को शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 30 से पहले 29 वाला डिवीजन आएगा। तो इस तरह हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई 29 मिलीमीटर। तो इसके बाद हमारे सेकंड स्टेप के मुताबिक हमें वर्नियर स्केल से रीडिंग निकालनी है। तो आए अब हम देखते हैं कि हम वर्नियर स्केल से किस तरह रीडिंग निकालते हैं। तो वर्नियर स्केल से रीडिंग निकालने के लिए हमें वर्नियर स्केल पर डिवीजन में से एक ऐसा डिवीजन चूज करना होता है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रहा हो। तो इस डिवीजन को ढूंढने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कंसीडर करें, हमारे पास जीरो वाली डिवीजन यहाँ पर मेन स्केल पे 29 वाली डिवीजन के मोर देन हाफ डिवीजन आगे है। तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए जो हमारे पास बेस्ट कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होगी वो हमारे पास वर्नियर स्केल पे मोर देन हाफ डिवीजन आगे होगी। अच्छा तो आए अब हम अपने वर्नियर स्केल में से सबसे बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास हमारा बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल पे मोर देन हाफ डिवीजन आगे होगा, तो इसलिए अब हम इसे 5 से ऑनवर्ड ढूंढना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर हम 5 वाला डिवीजन देखें तो वो हमारे पास बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर हम 5.5 वाला डिवीजन देखें तो वो भी हमारे पास बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। इसके बाद फिर हम अगर 6 वाला डिवीजन देखें तो वो भी हमारे पास बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। 6.5 वाला भी हमारे पास डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। फिर 7 वाला भी हमारे पास बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा। मगर इसके बाद अगर हम 7.5 वाला डिवीजन कंसीडर करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास मेन स्केल के डिवीजन से बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो इसी वजह से हम इसे हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई 7.5, और क्योंकि वर्नियर स्केल पे हमें जो भी डिवीजन दिख रही है उनके पास कोई भी यूनिट नहीं होता, तो हम डायरेक्टली इसे DIV से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब हमारे पास डिवीजन होता है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आने के बाद हमारे थर्ड स्टेप के मुताबिक हमें हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग को हमारे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर हमारे की पॉइंट्स पे बताया था कि हमें लीस्ट काउंट उसी यूनिट में लेना होता है जिस यूनिट में हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है इन मिलीमीटर्स, तो इसी वजह से हम हमारा जो लीस्ट काउंट लेंगे वो लेंगे 0.1 मिलीमीटर। और जैसे कि हमने ऊपर हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग निकाली तो यहाँ पर हम अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 0.75। और इसके बाद लास्टली हमें हमारा फोर्थ स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे स्टेप नंबर 3 के आंसर को और स्टेप नंबर 1 के आंसर को ऐड करना होता है। तो आए हम इन दोनों आंसर्स के सम लेते हैं। तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 29.75। तो यहाँ पर हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और इस तरह हम वर्नियर कैलिपर में से अपनी फाइनल रीडिंग निकाल लेते हैं। तो आए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया और उसे मैंने अपने वर्नियर कैलिपर के जॉस के अंदर फिक्स कर लिया। तो आए अब हम अपने स्टेप्स फॉलो करते हुए इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग निकालते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें अपनी मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर स्केल पे जो जीरो वाली डिवीजन है वो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जीरो वाली डिवीजन 46 वाली डिवीजन से स्लाइटली पीछे है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली, क्योंकि हमारे पास 46 वाली डिवीजन जीरो वाली डिवीजन से थोड़ी सी आगे है, इसलिए हम 46 वाली को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 45 वाली डिवीजन को कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास हमारी मेन स्केल रीडिंग आ गई 45 मिलीमीटर्स। तो अब सिमिलरली हमारा सेकंड स्टेप फॉलो करते हुए अब हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था
कि वर्नियर स्केल में से रीडिंग निकालने के लिए हमें उस डिवीजन को देखना होता है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली कॉन्साइड कर रही हो। तो सिमिलरली हमारी ट्रिक के मुताबिक इस हिडन डिवीजन को ढूंढने से पहले हमें अपनी सबसे पहली जीरो वाले डिवीजन को कंसीडर करके उस हिडन डिवीजन को फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास हमारा जीरो वाला डिवीजन 45 से मोर देन हाफ वे अलोंग है। तो इसीलिए अब सिमिलरली हमारी हिडन डिवीजन भी वर्नियर स्केल पे मोर देन हाफ डिवीजन आगे होगी। तो इसीलिए अगेन हम वर्नियर स्केल पे 5 वाले डिवीजन से आगे अपनी हिडन वैल्यू सर्च करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नोटिस करें तो 5 वाले डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ बेस्ट कॉन्साइड नहीं कर रही है। इसके बाद सिमिलरली 5.5 वाली भी नहीं कर रही है, फिर 6 वाली भी डिवीजन सही से कॉन्साइड नहीं कर रही है, 6.5 वाली भी नहीं कर रही है, 7 वाली भी नहीं कर रही है, 7.5 वाली भी नहीं कर रही है। मगर अब अगर हम 8 वाली डिवीजन को देखें तो वो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली कॉन्साइड कर रही है। तो इसलिए अब हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 8। और क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं होता तो हम लिखते हैं DIV यानी डिवीजन। तो आया अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगेन क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग का यूनिट है मिलीमीटर, तो हम अपना लीस्ट काउंट भी इन मिलीमीटर लेंगे और हम इसे अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग से मल्टीप्लाई करा देंगे और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.8। तो अब हम अपने फोर्थ स्टेप के मुताबिक हम इस वैल्यू को अपनी मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 45.8 मिलीमीटर। तो इस तरह अगेन हमारे पास हमारी फाइनल रीडिंग आ चुकी है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक सवाल होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी रीडिंग निकाले और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर टाइप करके भिजवाए ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय-बाय।